देखिए, छात्र नेताओं से और छात्र की ताकतों से उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से छात्र नौजवानों को राजनीति में दोबारा हस्तक्षेप करने का मौका मिला। तो 10 अक्टूबर वासी का कहना है कि 15 अक्टूबर से क्लास चालू करनी है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 15 दिसंबर, मतलब दिसंबर के आसपास इन लोगों को छात्र चुनाव करा देंगे। और उसके लिए पहले जैसे ही एडमिशन प्रक्रिया हमारे खत्म रहती है, जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो छात्र चुनाव कराना चाहते हैं, कोशिश करिए यूनिवर्सिटी की तरफ से कि इस वक्त चुनाव हो। इसी कारणवश पिछले वक्त बंद हो गया था, पर अब कराया जाए। अगर ये हवाला हमको देते हैं कि जिला प्रशासन नहीं चाहते कि चुनाव ना हो, क्या हमको ऊपर से मना किया, तो लिखित तौर पर प्रशासन नहीं तैयार है और जिला प्रशासन चुनाव हमारी मदद नहीं करेगी। यूनिवर्सिटी सक्षम नहीं है, जाके चुनाव कराए आप लोग, जाके प्रशासन से रहेंगे। तो हमारा काम क्या रहे, कोई भी विद्यापीठ का कुलपति और स्कूल अनुशासक को घेरना हम लोग बंद करते हैं। गांधी लोग हमारे छात्र भाई, हमारे आदित्य जी, इनका भी नाम मैं नहीं जान रहा हूँ, क्षमा करें, लेकिन आप सभी क्रांतिकारी साथियों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, पूरी तरीके से आज ये जो बैठक बुलाया गया, ये छात्र संघ बहाली को लेकर, छात्र संघ की जरूरत क्यों है छात्रों के बीच में, इस सवाल को समझना आपको बेहद जरूरी है। घर से निकल करके आते हैं, फीस वृद्धि का मामला है, जो भी साथी आ गए बैठे, जितने विश्वविद्यालय हैं इसको प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूलों की, हमारा मन किया मेस बंद कर दिए, हमारा मन किया जो है हॉस्टल से बाहर कर दिए, हमारा मन किया तो हम विश्वविद्यालय चलवाएंगे, हमारा मन किया तो विश्वविद्यालय बंद कर दिए। और छात्र सभा के नेताओं को फोन, ABBB के लोगों को फोन इसलिए नहीं किए क्योंकि वो शासन सत्ता के समर्थक हैं और एक भी नेता अभी 2 साल से नहीं हुई है इस पर लड़ाई कर बोला। अभी आपके पदाधिकारी बता रहे थे दो गुट में नौजवान छात्र नौजवानों के लिए एक बेहद कलंक था, आत्म आकलन करने की जरूरत। ये NSY और छात्र सभा ABBP या अन्य दल के नेताओं की या अन्य दलों के एजेंडा चलिंग करके जाएगा तो ठेकेदारी और दलाली करेगा। मैं ठेकेदारी प्रथा को कब खत्म करना कह रहे हैं, यहाँ की जो चीफ डायरेक्टर महोदया कह रही है कि जो है हम चलिए कमिश्नर की, कमिश्नर कह रहा है कि हमारे पास प्रशासन नहीं। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में प्रशासन इतना असहाय और निकम्मा टाइप का है कि ये छोटे से छात्र संघ का चुनाव नहीं करा पा रहा, और ये सवाल छात्र नेताओं ने उठाया नहीं। ये सवाल छात्र नेताओं ने जो है करने की जरूरत, छात्र संघ बहाली जब नहीं होगा तो उसमें विश्वविद्यालय का घाटा नहीं है, उसमें विश्वविद्यालय का एकदम। वाराणसी में छात्र संघ चुनाव को लेकर हलचलें तेज हो चुकी हैं। लगातार जिस तरीके से BHU में जो छात्र संघ भवन में जो महान पुरुषों का तस्वीरें थे जो कूड़ेदान में फेंका गया था, उसको लेकर अब लगातार हलचलें तेज हो चुकी है। छात्र संघ चुनाव को लेकर आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो छात्र संघ बहाली को लेकर आज एक बैठक हुई, बैठक के में लगातार जो छात्र नेता थे वो अपनी बातों को रख रहे थे। आज बैठक में क्या कुछ हुआ उनसे जानेंगे, छात्रों से जानेंगे क्या कुछ बैठक में चला। जी बाबा, मैं अभिषेक पांडे, मैनपुर छात्र संघ महामंत्री होगा। ऐसा भी आज छात्र संघ बहाली को लेकर बैठक हुआ, क्या बैठक हुई, आगे की रणनीति तैयार की गई कि किस तरीके से सभी संगठन, विद्यार्थी परिषद हो चाहे NSY हो चाहे समाज हो छात्र सभा हो चाहे तमाम संगठन हो, जो छोटे छोटे संगठन हैं सभी संगठन आके एक होंगे एक मंच पे, एक आंदोलन की स्थिति पैदा की गई। एक आंदोलन खड़ा होगा बनारस से जो दिल्ली तक जाके पहुंचेगा, नरेंद्र मोदी के कान में जो जू रेंगे उसको खत्म करेगा, और एक छात्र आंदोलन खड़ा होगा जो छात्र चुनाव कराने की मांग करेगा। क्यों चुनाव नहीं हो रहा, क्या कारण है? देखिए, 2 वर्ष से हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या उत्तर प्रदेश के तमाम यूनिवर्सिटी हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, बनारस के अंदर काशी विद्यापीठ हो, वो गंगापुर कैंपस हो, हरिश्चंद महाविद्यालय हो, UP कॉलेज हो, संपूर्णानंद हो, इस सभी यूनिवर्सिटी के अंदर 2 वर्ष से चुनाव बंद कर दिए हैं। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन हो, चाहे प्रिंसिपल हो, कुलपति महोदय, वो ना चाह रहा हो, पर ज़्यादातर हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि छात्र संघ चुनाव कराए। कहीं ना कहीं इसी छात्र संघ चुनाव से वो छात्र नेता निकलते हैं जो सरकार के गलत चीज़ों का विरोध करते हैं। जब जब देश के अंदर एक आंदोलन पैदा हुआ, छात्र नेताओं द्वारा ही पैदा हुआ है, और वो सभी आंदोलन ऐसा भयावह रूप लिया है कि केंद्र सरकार को हिला के रख दिया।
तो उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, जहाँ तक लगता है कि बनारस का नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वो लोग चाहते हैं छासम चुनाव अगर होगा कल की डेट में बनारस के सांसद और प्रधान देश के प्रधानमंत्री अगर कुछ गलत काम बनारस के अंदर करते हैं उसका विरोध यही छात्र करेंगे और ये उनके चुनाव में कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, ऐसा डर उन लोगों को है और ये डर अंदर अंदर उनको सताया जा रहा है, इसलिए छासम चुनाव ना कराने का उन्होंने निर्णय लिया। तो जिस तरीके से देखा जाए बनिया से लेकर छात्र नेता जो चले हैं वो बनारस जाएंगे, देखिए छात्र नेताओं का पूरे देश के अंदर पूर्वांचल के अंदर एक आगाज हो चुका है, बलिया से निकल के लोग पदयात्रा कर रहे हैं, बनारस समाप्ति होगी उनकी, ये आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के अंदर हर एक युवाओं हर एक छात्र नेताओं को जगा के रख देगा और ये सब वो सभी जागरूक होंगे और छात्र संघ चुनाव कराने की मांग करेंगे, चाहे वो बलिया हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे वो मऊ हो, चाहे मिर्जापुर हो, तमाम ऐसे जहाँ छात्र संघ चुनाव कराए जाते हैं वो सभी छात्र नेता जगेंगे और जगकर सरकार का विरोध कर या कुलपति का महोदय विरोध कर चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन का विरोध कर छात्र संघ चुनाव कराने की मांग करेंगे, छात्र संघ चुनाव कराया जाएगा। जिस तरीके से आज आप लोगों ने बैठक में शामिल हुए, बैठक में क्या कुछ रणनीति किया गया, क्या कुछ हुआ जी? आज जो गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष जो बैठक हुई है बड़े भाइयों के नेतृत्व में, उसमें छात्र संघ बहाली के मुद्दे को उठाया गया है और आने वाले समय में यही छात्र और यहीं के छात्र नेता बड़े भाई लोग और जो भी उनके छोटे भाई हैं सभी लोग हम सब मिलकर इस छात्र संघ बहाली को लेकर एक इस छात्र संघ बहाली को नया रूप और स्वरूप देने का कार्य करेंगे और यहाँ का जो छात्र संघ है, छात्र संघ इतना कमज़ोर नहीं है जितना इसको कमज़ोर बनाया जा रहा है। यहीं के छात्र थे चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने पूरी आज़ादी की गाथा इसी विश्वविद्यालय में बैठ के लिखी थी। आज वहीं के छात्र अपने हक और हक की लड़ाई के लिए इस विश्वविद्यालय के सामने लड़ने के लिए मजबूर हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है इस विश्वविद्यालय प्रशासन की वजह से। देखा जाए तो BHU में भी शासन भवन में महापुरुषों का चित्र था, वो चित्र कूड़ेदान में मिला था, देखिए ये हमारे महापुरुषों का ये एक तरह से अपमान है, जो उनकी प्रतिमा को उनके चित्र को अगर कूड़ेदान में कोई फेंकने का कार्य कर रहा है तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। वहाँ के VC के और वहाँ के जो कर्मचारी हैं या जो जिनके द्वारा ये कार्य हुआ है ये बहुत निंदनीय कार्य है। मैं कुछ और भी छात्र उनसे भी जानेंगे, लगातार छात्र को लेकर आप लोग बात कर रहे हैं, आज आप लोगों ने बैठक किया, किस तरीके से बैठक में क्या किया? देखिए हम लोग का ये हुआ कि अगले साल दो साल के छात्र चुनाव नहीं कराया जाए तो इस साल भी विश्वविद्यालय प्रशासन का मनसा है कि चुनाव नहीं कराया जाए और छात्रों के साथ हनन किया जाए, छात्रों के साथ अत्याचार किया जाए और तो हम लोग बड़े भाइयों के साथ सीनियर भाई लोगों के साथ बैठकर ये हम लोग तय किया कि हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रशासन के पास जाके कुलपति महोदय के पास जाके चुनाव कराने का अपील करेंगे। अगर वो चुनाव नहीं कराते हैं तो हम लोग एक यहाँ से बड़ा आंदोलन करेंगे और किसी भी हालत में छात्रों के साथ हम लोग अन्याय नहीं सहेंगे, गलत नहीं होने देंगे। क्या मांग करते हैं सरकार से? हम लोग यही मांग करते हैं कि छात्र संघ चुनाव कराए और छात्रों के हित के लिए कार्य करे, छात्रों के साथ अन्याय न हो। तो आज आप लोगों ने बैठक किया, बैठक में क्या मूल बातें हुई, क्या लेकर आगे की रणनीति क्या तैयार किया गया? से आगे की रणनीति ये तैयार की, जैसे हम लोग के कुछ साथी छात्र संघ के सभी साथी बलिया से चल के आ रहे हैं छात्र संघ बहाली के लिए, तो वो लोग बलिया से गाजीपुर 9 तारीख को आ जा रहे हैं, फिर उसके बाद बनारस आ रहे हैं, तो हम लोग उनका बनारस में सम्मान करेंगे, उसके बाद सम्मान के साथ हम लोग एक बड़ा आंदोलन, एक यहाँ से बनारस से बड़ा आंदोलन उठा के हम लोग सरकार को दिखाएंगे कि नहीं, हम लोग सभी छात्र एक है और छात्र संघ चुनाव आपको कराना चाहिए किसी भी हालत में। जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नौजवान साथियों की बात करते हैं, वही नौजवान साथी वही छात्र हमारे छात्र संघ चुनाव को लेकर बहाली को लेकर आज बैठक किए, उन्हीं छात्रों से जाने क्या कुछ बैठक में क्या कुल मूल मिला, क्या आगे की रणनीति बनाई गई, आगे क्या रणनीति बनाई गई? देखिए रणनीति हम लोगों ने ये बनाया कि हमारे विश्वविद्यालय में जितने भी छात्र संगठन हैं, ABP हो, NSY हो और समाजवादी छात्र सभा हो, सभी को लेकर हम लोगों ने बैठक किया और एकजुट हुए कि हमारी मुद्दे को लेकर सरकार के पास इसको आवाज उठाई जाए ताकि छात्र संघ चुनाव, दो साल से छात्र संघ चुनाव बंद कर दिया, उन्होंने लगातार फ्रीजी की जा रहे हैं, छात्रों का हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, मुकदमा देकर डराया जा रहा है, लेकिन हम लोग मुकदमे से नहीं डरने वाले हैं। और ये मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय प्रशासन हो या चीफ डॉक्टर महोदय हो या हमारे कुलपति महोदय हो, यहाँ के छात्र इतने कमजोर रहे हैं कि आप जब विश्वविद्यालय प्रशासन से बात किए तो उनके द्वारा क्या किया गया? उनके द्वारा ये जुमलेबाजी की जाती है कि आप कमिश्नर से बात करिए, कमिश्नर साहब के पास हम लोग जाते हैं तो कमिश्नर साहब कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त फोर्स नहीं है कि मैं चुनाव करा सकूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ प्रशासन तमाम है और आप जिस तरीके से बात करें तो विश्वविद्यालय प्रशासन कहती है कमिश्नर के पास जाइए जी, तो आप किस तरीके से देखते हैं क्या विश्वविद्यालय प्रशासन या फिर मिला हुआ है? दोनों मिले हुए हैं एक दूसरे से, सरकार के बंधे हुए हैं, गठबंधन जैसे होता है एक दूसरे से बंधे हुए हैं, दोनों एक दूसरे पर टाल देते हैं कि आप उनसे बात करिए आप इनसे बात करिए, तमाम छात्र जाते हैं कहते हैं कि हमें चुनाव कराने का डेट दीजिए, तो वो कहते हैं कि कमिश्नर के पास जाइए, कमिश्नर साहब कहते हैं कि हमें ऊपर से अभी कोई आदेश नहीं आया है, आदेश आता है तो फिर मैं बताता हूँ, मेरे पास पर्याप्त प्रशासन नहीं है, ये VIP आए हैं वो VIP आए हैं, मतलब रोज एक दो डेट देकर टाल देते हैं छात्र नेताओं को इधर से उधर कहते रहते हैं। क्या लगता है सरकार छात्र संघ के चुनाव से डरी हुई है? बिल्कुल डरी हुई है, अगर वो छात्र चुनाव कराना चाहती तो अब तक कहीं करा देती हुई, यहाँ पर क्या पूरे क्या 10 बैठक 10 जिले की कोर्ट की जरूरत तो नहीं है, आप चाहेंगे तो दो थाने की कोर्ट से भी चुनाव हो सकता है, क्या यहाँ पे लड़के पढ़ने वाले हैं, कोई आतंकवादी लड़के थोड़ी ना है कि नहीं आप चुनाव नहीं करा पाएंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ कुछ और छात्र भी उनसे भी जाएंगे। आज आप लोगों ने बैठक किया, बैठक में क्या रणनीति बनाई गई? देखिए आज हम लोग बैठक में रणनीति बनाए कि छात्र संघ चुनाव को कैसे फिर कराया जाए, छात्र संघ कराने के लिए बड़े भाइयों के साथ हम लोग बैठक की और छात्र संघ यहाँ की प्रशासन और यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार छात्र संघ नहीं कराना चाहती है, इसलिए नहीं कराना चाहती है कि छात्र संघ चाहती है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में रहें, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे तो हिंदू मुस्लिम करके धर्म की राजनीति नहीं कर पाएंगे, छात्र जब छात्र आएगा तो एक पढ़ा लिखा छात्र आएगा, छात्र जब राजनीति करेगा तो एक पढ़े लिखों की छात्र राजनीति करेगा, अच्छाई पे रोजगार पे बात करेगा, ये लोग केवल सोचते हैं कि अनपढ़ लोग राजनीति में आए और हिंदू और मुस्लिम करके लोगों को दिखाएं, हिंदू और मुस्लिम करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने यह रणनीति बनाया कि छात्र संघ के सभी जो छात्र विंग होता है सभी छोटे बड़े पार्टियों के जैसे ABBP CYSS NSY समाजवादी सभी लोग मिलकर छात्र संघ के लिए एक आवाज़ उठाएं और आवाज़ उठाने के बाद छात्र संघ दोबारा से विद्यापीठ में कराया जाए और एक अच्छा संदेश दिया जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। जिस तरीके देखिए छात्रों से हमने बात किया तो छात्र अपनी बातों को रखकर छात्र अपनी मांगे रखे हुए लगातार, जो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है तो लगातार वहीं से छात्र बात किया जाए तो वाराणसी से ही दिल्ली की राजधानी यात्रा होती है, जो वाराणसी से आवाज़ जाती है दिल्ली तक जाती है, तो कहीं ना कहीं छात्र अपनी आवाज़ों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से छात्र हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र हैं, लगातार अपने छात्र संघ बहाली को लेकर अपने मांगों को लेकर आज बैठक की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। वाराणसी से विपिन न्यूज़ के लिए साथ।